हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग मंथली फोरकास्ट ऑफ मई 2019। गाइस, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ एक दो चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये ट्रांजिट के बेस्ड के ऊपर हैं। इसको आप 100% ना मान के चलें, लेकिन अगर आपको आपके असेंडेंस का या मून साइन का पता है, अगर आपको आपके असेंडेंस का पता है, तो ये प्रेडिक्शन 75-80% आप पे अप्लाई होंगी। अगर आपको आपके मून साइन का पता है, तो ये प्रेडिक्शन 60% आपके ऊपर अप्लाई होंगी। ट्रांजिट यानी कि गोचर, ग्रहों का एक ऐसा ट्रैवल या एक ग्रहों का एक ऐसा चक्र जिसका प्रभाव हर इंसान पर पड़ता है। प्लैनेट्स आर रेगुलर वॉचिंग यू, एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ। ग्रह हर एक इंसान को इस धरती पे देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, उसके कर्मों को देख रहे हैं, उसकी सोच को, उसकी पब्लिक डीलिंग को, सब कुछ देख रहे हैं। गाइस, ये बातें मैं आपसे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग मेरे को कंसल्ट करते हैं, बहुत से ऐसे हॉरोस्कोप मैंने रीड किए हैं, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पास एक 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर क्योंकि मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, आप हमारी प्रेडिक्शंस को 100% ना मान के चलें। 20% जो मैं कम बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, और वो प्लैनेट आपके नेटल चार्ट में, बाय बर्थ स्टार में कहाँ प्लेस्ड है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। सपोज करें, हमने अगर एरिस असेंडेंस के लिए कुछ प्रेडिक्शन दी, तो वो ये नहीं है कि अगर ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 100% अप्लाई होगी, ऐसा नहीं है। ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 80% अप्लाई होगी अगर आपको आपके असेंडेंस का पता है, 60% अप्लाई होगी अगर आप इसको मून साइन को दिमाग में रख के सुन रहे हो। 20% और 40% क्यों नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि आपके अगर इंडिविजुअल चार्ट में किसी योग कारक प्लैनेट की पोजीशन चल रही है, वो एग्जाल्टेड है, या आपके हॉरोस्कोप में किसी अच्छे हाउस में, 9th हाउस में 7th हाउस में 5th हाउस में 11th हाउस में असेंडेंस में प्लेस्ड है, तो आपके लिए दशाएं अच्छी होने की वजह से 100 out of 100 जो मंथ जाएगा या वीक जाएगा, वो पॉजिटिव जाएगा। सो गाइज, मैं आपसे बातें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे हर बार कुछ ना कुछ मेल्स आती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, या लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने ये बोला था, इस हिसाब से बोला था, हमने उस हिसाब से प्लानिंग की। गाइज, जो हम बोल रहे हैं, जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्रांजिट के बेस पर है। आपको अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को एनालाइज करवाना है। अगर मैंने किसी के लिए कुछ पॉजिटिव असेंडेंस के लिए या मून साइन के लिए बोला है, इट मींस उसके साथ पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में अंतरदशा और महादशा किसी अच्छे प्लैनेट की चल रही है, तो 100 out of 100 आपको सक्सेस मिलेगी। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं अपना मंथली फोरकास्ट। लेट्स स्टार्ट फॉर द पाइसिस असेंडेंस, फॉर पाइसिस असेंडेंस मई 2019। गाइज, सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनामिक्स की। 10th मई तक मरकरी और वीनस का नीच भंग राजयोग आपके असेंडेंस में है, जिसमें वीनस एग्जाल्टेड हैं, सन आपके सेकंड हाउस में है मिड ऑफ द मई में एग्जाल्टेड मोशन में, जुपिटर आपके 9th हाउस में है होल मंथ मई 2019 रेट्रोग्रेड मोशन में, सैटर्न आपके 10th हाउस में है केतु के साथ, राहु आपके 4th हाउस में है। पाइसिस असेंडेंस फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली रिवार्डिंग फॉर यू। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी फील करोगे आप, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, नए आपको ऑफर्स आ सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन ग्रोथ हो सकता है, सेविंग बढ़ सकती हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग मल्टीपल रहेगी, ज्वाइंट फैमिली आपको बहुत हेल्प करेगी, ज्वाइंट फैमिली से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मनी मैटर्स आपके बेटर होंगे, अगर आपके ऊपर कोई डेप्थ हैं तो वो क्लियर होंगे। अगर आप गवर्नमेंट से कोई लोन लेना चाहते हो, तो वो भी मई 2019 में क्लिक होगा। ओवरऑल गाइज, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू। यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन यूर थिंग्स एंड डू यूर बेस्ट, बिकॉज प्लैनेटरी पोजिशन आर गोइंग टू इन योर फेवर, सो यू विल इंजॉय मई 2019 विद फुल पॉजिटिविटी। आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ बहुत अच्छा है, फाइनेंस को देखूं तो ये मंथ बहुत अच्छा है। अगर कुछ नेगेटिव दिख रहा है, तो आपकी डीप सोच, क्योंकि पाइसिस असेंडेंस नो डाउट जुपिटर का लगन है, और आपके लगन में 10th मई तक वीनस एग्जाल्टेड है और जुपिटर से एस्पेक्ट ले रहा है, तो गाइज आपको सडन गेन्स होंगे, नए पार्टनर्स बनेंगे, लव लाइफ आपकी बड़ी अच्छी चलेगी, जिन लोगों का अफेयर है उनको अफेयर में सक्सेस मिलेगी, उनका अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, या घर में शादी की बात चल सकती है, या जो लोग अनमैरिड है उनको अच्छा कंपेनियन मिल सकता है। सो गाइज, this is one of the ultimate month for you. You need to concentrate on your things. I'm telling you again and again, because planetary position is in your favor. First part of the May will be a highly rewarding and positive for Pisces ascendants. Guys, इस समय में विष्णु जी की उपासना करना, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, विष्णु जी के टेंपल में विजिट करना थर्सडे वाले दिन, 800 ग्राम चने की दाल हर वीरवार को धर्म स्थान पर दान देनी। जितना ज़्यादा आप 800 ग्राम चने की दाल हर वीरवार को
हर थर्सडे को धर्मस्थान पे दान देंगे उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए स्पाइल करेगा। ओवरऑल गाइज ये मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, फेम ला रहा है, प्रॉस्पेरिटी ला रहा है। अगर कुछ कमी होगी तो आपकी प्लानिंग्स में आप थोड़ा सा सोचें, अपने आने वाले कल को प्लान करें, लेकिन इस अपॉर्चुनिटीज़ वाले मंथ को जाने ना दें, क्योंकि आपके लिए जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे मई 2019 आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। और अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा नाम, इज्जत, शोहरत और पैसा ये आने वाला है। नो मोर अबाउट दिस मंथली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।